हम पाकिस्तान की उस साजिश को डिकोड करेंगे जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। दरअसल एक कहावत है कि झूठ के पैर जो हैं वो नहीं होते हैं लेकिन पंख बहुत तेज होते हैं, इसीलिए झूठ कम समय में बड़ी तेजी से उड़ान भर लेता है। आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे ही झूठ को दुनिया के सामने एक्सपोज करने वाले हैं। 10 जून को भारत के कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई थी और आरोप यह है कि इन दंगों के पीछे पाकिस्तान का षड्यंत्रकारी शैतान दिमाग काम कर रहा था। यानी पत्थर हिंदुस्तान के मुस्लिम युवाओं के हाथ में भले थे लेकिन सोशल मीडिया वाले माहौल को पड़ोसी पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा था। इस बात का खुलासा सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का एनालिसिस करने वाली एक एजेंसी की तरफ से किया गया है। क्या कुछ बातें हैं वो भी हम आपको समझाते और बताते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद पाकिस्तान ने इसे भारत के खिलाफ एक बड़े अवसर के तौर पर देखा और उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी सोशल मीडिया टीम को एक्टिव कर दिया। पाकिस्तान के करीब 7100 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट से जिन्होंने फेक न्यूज के सहारे भारत में मुसलमानों को भड़काया और यहां पर अलग अलग शहरों में दंगों की साजिश को रचा। इस सच्चाई का पता लगाने के लिए 60,000 से ज्यादा ट्विटर यूजर्स के नेचर ऑफ पोस्ट और कमेंट बिहेवियर का बकायदा अध्ययन किया गया। यानी लोग पैगंबर विवाद पर क्या सोच रहे हैं, किस तरह के कमेंट कर रहे हैं, ये सब कुछ देखा गया। एक डीप एनालिसिस की गई और इस एनालिसिस में ये पाया गया कि 60,000 से ज्यादा यूजर्स के नॉन वेरिफाइड अकाउंट थे जिन्होंने इस मामले में जुड़े नफरती हैशटैग्स में कमेंट किए। इनमें भी खासतौर पर 7,000 से ज्यादा अकाउंट्स पाकिस्तान के थे, सऊदी अरब के 3,000 अकाउंट थे, इजिप्ट के 1,400 अकाउंट एक्टिव थे और उसके साथ ही 1,000 से ज्यादा अकाउंट अमेरिका और कुवैत से भारत के खिलाफ झूठ का प्रचार प्रसार कर रहे थे, भारत में दंगों की साजिश की कोशिश कर रहे थे। हालांकि भारत के अंदर भी 2,500 अकाउंट ऐसे थे जो देश में दंगों की साजिष को लेकर एक्टिव थे। अब इस पूरे षड्यंत्र की गहराई से जांच की जरूरत है, इससे कई राज खुल सकते हैं, कई चेहरे ऐसे होंगे जो इस साजिश के एक्सपोज हो सकते हैं जब यह जांच निकल कर आएगी और इसी पर आधारित हम आपको हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या भारत के शहरों में कोहराम मचाने वाले इन पत्थरबाजों का रिमोट पाकिस्तान के पास था? ये पत्थर अपने ही देश की व्यवस्था के खिलाफ उठाए गए थे, लेकिन पत्थर उठाने के सिग्नल क्या सीधे पाकिस्तान से आ रहे थे? दस जून शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में पत्थर बरसाए जा रहे थे, सहारनपुर की सड़कों पर दंगाई तोड़फोड़ कर रहे थे, मुरादाबाद रांची हावड़ा में विरोध के नाम पर हिंसा बेकाबू हो रही थी। भारत के कई राज्यों में जिस तरह मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए थे वो कोई संयोग नहीं था बल्कि सुनियोजित षड्यंत्र था जिसकी स्क्रिप्ट कई दिन पहले ही पाकिस्तान में लिखी गई थी। DFRAC की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया और भारत में हिंसा करा दी। ये ट्वीट इस साजिश की गवाही दे रहे हैं। सबसे पहले ये ट्वीट देखिए, लिखा गया कि जुमे की नमाज के बाद बांग्लादेश की सड़कों पर मोदी के खिलाफ मुसलमान, जबकि इसकी सच्चाई सामने आई तो ये 2020 की एक तस्वीर थी जिसमें फ्रेंच एम्बेसी के खिलाफ लोगों की भीड़ ढाका की सड़कों पर उतरी थी। अब पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY की ये खबर देखिए जिसमें कहा गया कि ओमान के ग्रैंड मुफ्ती ने भारतीय प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की घोषणा की है, जबकि रिपोर्ट में पाया गया कि मुफ्ती ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की आलोचना की थी। पाकिस्तान ने ऐसे हजारों लाखों ट्वीट्स के जरिए भारत को बदनाम करने की प्लानिंग की और पूरा भारत विरोधी माहौल बनाया ताकि देश के मुस्लिम युवाओं के हाथों में पत्थर थमाए जा सके। ये आतंकवाद का एक नया आयाम है, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का एक नया आयाम है, क्योंकि डायरेक्टली जो है वो हमको टेक ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है कि ऑपरेशन ऑल आउट में अभी तक भारतीय फौज ने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार दिया है। हमारी कास्ट पे, लैंग्वेज पे, रिलीजन पे, धर्मों पर हमारी फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करके भारत में दंगे करवाए जाएं ताकि भारत की जो एक ग्लोबल पावर बढ़ने की जो एक हमारा मार्च है उसको रोका जाए।
भारत में दंगों की पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने 5 सूत्री उपद्रव कार्यक्रम तैयार किया। सबसे पहले ट्विटर पर भारत में पैगंबर विवाद पर आई लोगों की प्रतिक्रिया को देखा गया और 7100 से ज्यादा अकाउंट एक्टिव हो गए। इसके बाद ट्विटर पर पैगंबर विवाद से जुड़ी फेक न्यूज फैलाई गई। पुरानी तस्वीरों से झूठ फैलाया गया, ऐसे हैशटैग ट्रेंड कराए गए जिससे लोगों के मन में नफरत की मात्रा को बढ़ाया जा सके। इसके बाद पाकिस्तान के हजारों फेक अकाउंट्स के जरिए उकसाने वाले ट्वीट हुए। इसके अलावा दुनिया भर में भारतीय प्रोडक्ट्स के बहिष्कार के लिए हैशटैग्स के जरिए अफवाह फैलाई गई। हैशटैग बॉयकॉट इंडिया और हैशटैग बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स ट्रेंड करने लगे। इसके लिए ट्विटर पर यूजर नेम बदल बदल कर भारत विरोधी एजेंडा ट्रेंड करवाया गया। सबसे ज्यादा जिस ट्विटर अकाउंट को टैग करके ट्वीट किए गए थे वो था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अकाउंट। पीएम मोदी के अलावा पीएमओ को भी लगातार इस एजेंडे के तहत टैग किया गया। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाली नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के अकाउंट भी टैग किए गए और इमरान खान का अकाउंट भी टैग किए गए टॉप 5 अकाउंट्स में शामिल था। देखिए कहीं ना कहीं अब मामला साइबर युद्ध का आ गया है। पाकिस्तान भी समझ चुका है कि शायद वो जमीनी हकीकत पे शायद युद्ध नहीं लड़ पाएगा, इसलिए उसकी सारी फोकस है कि वो साइबर के माध्यम से भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करे। अलग अलग शहरों में भारत बंद को लेकर एक ही तरह के मैसेज और हैशटैग सोशल मीडिया के जरिए फैलाए गए थे और फेक न्यूज की ये सोशल सुनामी पाकिस्तान से ही आई थी ताकि भारत को हमेशा के लिए अशांत कर दिया जाए, यहाँ सड़कों पर कोहराम मचाया जा सके, लेकिन भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने का पाकिस्तानी एजेंडा एक्सपोज हो गया। वरुण सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो।